तो आप भी अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो, आप भी अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी को लगाते हो, तो लगाने के बाद देखिए आपको बताइए होगा दोस्तों, इंस्टाग्राम स्टोरी में बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, दूसरा बैकग्राउंड आ जाता है, कोई अलग ही आ जाता है दोस्तों, हमें पसंद नहीं आता है वो बैकग्राउंड। आप कोई भी फोटो को लगाते हो, कोई भी वीडियो को लगाते हो तो देखिए आप अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में दोस्तों अपने स्टोरी का वो बैकग्राउंड आ जाता है। आप पीछे वाला बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हो, इसलिए मैं आपको इधर देखिए डिटेल्स में बताने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं आपको इधर देखिए सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा आप कैसे अलग अलग बैकग्राउंड को लगा सकते हो अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और मल्टी वॉलपेपर्स भी कैसे लगा सकते हो, अलग अलग कलर भी कैसे लगा सकते हो अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन, सबका स्वागत है हमारे पवन कोडेज यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो इधर से आपको क्या कर देना है, देखिए अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर देना है, तो वीडियो को इधर से लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कैसा चेंज कर सकते हो इंस्टाग्राम स्टोरी के बैकग्राउंड को, कलर्स को। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इससे पहले मैं आपको इधर बताया तो आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो, जरूर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। देखिए आप इधर से देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है pawn.codes करके, मैं आपको इधर देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो दूर से आप मुझे फॉलो कर सकते हो डायरेक्ट अपने इंस्टाग्राम में। तो देखिए मैं आपको इधर लगा के भी दिखाया था दोस्तों, वॉलपेपर को चेंज करके भी दिखाया था हूँ, पिछले वाला आप कोई भी फोटो लगाते हो तो उसके पीछे वॉलपेपर चेंज हो जाता है। तो देखिए जैसे कि आप इधर से देख सकते हो मैं इधर से छत के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो इधर से मैं क्या कर लेता हूँ, ये वीडियो को मैं क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों आपको इधर दिखाने के लिए। तो देखिए इस वीडियो को मैं, इस फोटो को मैं इधर से क्लिक कर दिया है, तो क्लिक करने के बाद देखिए इधर से आप क्या करते हो, कोई भी फोटो को लगा लेते हो या कोई भी इधर से आपको चूज़ कर लेते हो। देखिए मैं आपको इधर वो भी दिखा देता हूँ, इधर से देखिए डायरेक्ट अपने गैलरी के जाके इधर से आप फोटो को चूज़ कर लेते हो। देखिए मैं आपको इधर फोटो के चूज़ करके भी दिखा देता हूँ, तो देखिए मैं इधर से फोटो को चूज़ कर दिया है। तो चूज़ करने के बाद देखिए इधर से देख सकते हो, इधर देखिए बैकग्राउंड अभी देखिए दूसरा ही आ रहा है, तो इधर से मैच नहीं हो रहा है जैसे कि आप इधर से देख सकते हो। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा मैच करने के लिए, इधर से इससे पहले इधर से आपको इधर देखिए पहले आपको इधर ये नहीं लेना है, तो फोटो को नहीं लेना है, इधर से आपको डिस्कार्ड के ऊपर क्लिक करके इधर से देखिए वैसे आपको फोटो को खींच लेना है। तो खींचने के बाद देखिए इधर आपको इधर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आपको इधर पता ही होगा इधर देखिए स्माइल का इधर आपको आइकॉन मिल जाता है देखने के लिए, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए इधर आपको इधर सिंपली सर्च करना है तो अपने बैकग्राउंड में कौन सा कलर को लगाना चाहते हो, कौन सा कलर को ऐड करना चाहते हो। तो देखिए मैं आपको इधर दिखाया था, मैं इधर से ब्लू करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लू करके मैं इधर से देखिए सर्च कर लेता हूँ। तो ब्लू करके सर्च करोगे तो देखिए इस तरीके से आपको इधर ब्लू का इधर बहुत सारे आपको इधर देखिए कलर्स मिल जाते हैं, ब्लू केस में आपको इधर स्क्वायर से देखिए राउंड आर्ट्स भी मिल जाते हैं, तो मैं इधर से देखिए ये वाला ले लेता हूँ। तो ये वाला लेने के बाद देखिए इधर से आपको जूम करते आना है, वैसे देखिए इधर से देख सकते हो। तो जूम करने के बाद देखिए ये ब्लू कलर हो चुका है, वैसे आप इधर से देखिए दूसरा कलर को लगाना चाहते हो, एग्जांपल के लिए इधर से आप रेड कलर को लगाना चाहते हो अपने बैकग्राउंड कलर को, तो इससे रेड को जैसे चूज करके इधर से देखिए इधर से आपको ये देखिए इधर से हट चुका है। मैं आपको इधर और एक बात करके दिखाता हूँ, इधर से लेके देखिए इधर से जूम कर देना है आपको उतना ही दिखे, और आपका इधर काम हो जाएगा, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा पिछले वाला। तो देखिए मैं आपको इधर दो कलर में करके दिखाता हूँ, इधर से देखिए रेड तो मैंने ले लिया है, तो इधर से मैं ब्लैक ले लेता हूँ, कौन से कलर को भी इधर से देखिए सर्च कर सकते हो वो कलर अगर आ जाएगा। तो देखिए मैं इधर से ब्लैक ले लिया है, तो ब्लैक लेने के बाद देखिए मैं इधर से दो कलर इधर से करके दिखाता हूँ, आप कितना चाहिए उतना कलर को इधर से कर सकते हो। तो इधर से मैं फटाफट मैं आपको इधर देखिए आपका भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, इधर से दो कलर को उतना ही मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो इधर से देखिए थोड़ा इधर नीचे ऊपर हो गए, तो मैं इधर से इसे सीधा कर लेता हूँ। तो देखिए इधर दो कलर हो चुका है जैसे कि आप इधर से देख सकते हो। तो इधर आपको क्या करना है, फोटो को ऐड करने के लिए इधर आपको फिर से देखिए स्माइल के आइकन के ऊपर क्लिक करके आप कौन सा फोटो को ऐड करना चाहते हो इधर से आप ऐड कर देना है। तो देखिए मैं आपको इधर वो भी दिखाया, तो इधर से आपको बैक आना है, तो बैक आने के बाद आपको नीचे आने के बाद देखिए प्लस का आइकॉन मिल जाता है आपको इधर देखने के लिए फोटो को लगाने के लिए, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके इधर से देखिए इधर से फोटो को सेलेक्ट कर देना, आप कौन सा फोटो लगाना चाहते हो अपने स्टोरी में अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में। तो जैसे कि देखिए मैं इधर से फोटो ले लिया आपको इधर दिखाने के लिए, तो देखिए मैं इधर फोटो ले लेने के बाद देखिए आप इधर से देख सकते हो देखिए बैकग्राउंड पूरा चेंज हो चुका है, मैं आपके सामने ही कस्टमाइज करके दिखाया, तो अपने पसंद का कोई भी इधर कलर लग सकते हो। मैं आपको इधर दिखाने के लिए तो उतना ही किया है, तो नहीं तो मैं इधर से बहुत ही अच्छा और अच्छा मैं इधर से बैकग्राउंड को चेंज कर सकता है, तो आपको इधर दिखाने के लिए उतना ही क्या है। तो इधर से बहुत अच्छे तरीके से देखिए इधर से अपना बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, अपने पसंद का इधर बैकग्राउंड को रख सकते हो। तो इससे पहले मैं देखिए दो तीन स्टोरी के वॉलपेपर्स को चेंज कर दिया था, क्योंकि मैं आपको इधर दिखाया था वो भी मैं आपको इधर दिखाने के लिए रख दिया है। तो देखिए मैं आपको इधर वो भी दिखाया था, जैसे कि आप इधर से देख सकते हो देखिए स्टोरी के इधर बैकग्राउंड आपको इधर दिखाई दे रहा, तो देखिए देख सकते हो मैं इधर स्क्रीनशॉट भी रख के आपको इधर दिखा रहा हूँ। तो इधर इस तरीके से आप देखिए कलर्स को ऐड कर सकते हो, देखिए चार वाला कलर है देखिए आप इधर से देख सकते हो, ये भी ऐड कर सकते हो अपने पसंद का। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने
इंस्टाग्राम की स्टोरी के बैकग्राउंड के कलर को कस्टमाइज कर सकते हो अपने पसंद का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो और ऐसे रिलेटेड वीडियोज या ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब देख के लिए बाय बाय और जय हिंद।